इस वक्त हम बात करेंगे कि टेस्ड नॉलेज को किस तरह से कैप्चर किया जाता है एक इंडिविजुअल के लेवल पर और एक ग्रुप के लेवल पर इसमें हम देखते हैं कि ट्रांसफ़र एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वैल्यूएबल एक्सपर्टीज़ फ्रॉम अ नॉलेज सोर्स एंड दैट सोर्स में बी एन ह्यूमन एक्सपर्ट टू अ नॉलेज रिपोर्जिटरी और रिपोर्जिटी का यहाँ मतलब हो सकता है एक कारपोरेट मेमरी या इंट्रेट या इदारे ने जो भी सिस्टम बनाया है एक डेटा बेस की शक्ल में हो सकता है ये मैनुअल भी हो सकता है और यह कंप्यूटराइज भी हो सकता है कि नॉलेज को ट्रांसफ़र करना सोर्स से कि जो कि हिडन या टेसिट है उससे हम कॉर्पोरेट मेमोरी का हिस्सा बनाएं यहाँ टेसिट नॉलेज कैप्चरिंग से ये मुराद है द प्रोसेस इन्वाल्वस प्रड्यूसिंग वास्ट वॉलीम ऑफ कंटेंट फ्राम डाइवर्स डोमेंस इन टू अ प्रिसाइज ज़िली यूजल सेट ऑफ फैक्ट्स एंड रूल्स कि इंडिविजुअल्स के पास जो नॉलेज है उसका अगर कंटेंट बनाया जाए तो बहुत वसी बहुत बड़े साइज़ का बनेगा उस बड़े साइज के कंटेंट को जो कि मुख्तफ अतराफ से आ रहा है उसे हम इस नॉलेज कैप्चरिंग के नतीजे में उसको एक प्रिसाइज और समराइज फार्म में हम नॉलेज का हिस्सा बनाएंगे और ये जो नॉलेज कैप्चरिंग का, का काम है ये कोई नया काम नहीं है कि जब से दुनिया बनी है उस वक्त से ही इंसान मुख्तलफ़तों में इस काम को करता चला आ रहा है कि जैसे मिसाल दी जाए तो रिपोर्टर्स हैं जर्नलिस्ट हैं राइटर्स हैं अनाउंसर्स हैं इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर्स हैं और कंप्यूटर साइंस के फील्ड में देखा जाए तो सिस्टम एनालिस्ट हैं कि जो बड़े सालों से इस नॉलेज कैप्चरिंग के काम को करते चले आ रहे हैं और इसके मीनिंग ये हैं कि वास्ट कंटेंट को एक प्रिसाइज कंटेंट में कन्वर्ट किया जाए और उसको ऑर्गेनाइजेशन के नॉलेज का हिस्सा बनाया जाए कैप्चरिंग टेस्ट नॉलेज रेंजेस फ्रॉम सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस टू सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल फार्मूलेशन कि जो नॉलेज कैप्चर किया जाएगा हमारे सामने आएगा उसको जब हमने एक्सप्लिसिट फॉर्म में लाना है तो उसमें हमें ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन बनानी होंगी मैथमेटिकल फार्मूलेशन या फार्मूले बनेंगे या इसके अलावा और भी बहुत सारी शक्लें हैं कि जिसके नतीजे में नॉलेज जो है वो दूसरे अफराद के लिए यूज़ेबल फॉर्म में आ जाता है इन द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स हमारा वास्ता पड़ता है दो किस्म के अफराद से एक हैं नॉलेज इंजीनियर्स और दूसरे हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स अब नॉलेज इंजीनियर्स क्या काम करते हैं कि वो नॉलेज मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं वो नॉलेज के कैप्चरिंग के और उसकी कोडिफिकेशन के एक्सपर्ट्स हैं वो रा करते हैं वो इंटरव्यू करते हैं वो बातचीत करते हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के साथ और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स कौन हैं कि वो अफराद हैं कि जो प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं और उनके पास वो नॉलेज है कि जिसे हम ऑर्गेनाइजेशन का टेसड नॉलेज कह रहे हैं और नॉलेज एक्सपर्ट्स जो हैं वो उनसे यानी इंजीनियर्स जो हैं वो उनसे नॉलेज लेके तो एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर ले आते हैं कि जो कि फिर आखिरकार जाके ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाता है एक्सपर्ट सिस्टम्स कैप्चर प्रोसीजरल नॉलेज प्रोसीजरल नॉलेज का मतलब है हाउ हाउ द थिंग्स कैन बी डन एंड डेक्लेटिव नॉलेज इसका मतलब है वट इज़ दिस एंड वट इज़ दैट ये दोनों अकसाम के जो नॉलेज हैं वो एक्सपर्ट सिस्टम्स में कैप्चर किए जाते हैं द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आर नीडिड टू कन्वर्ट टेसड नॉलेज इन टू एक्सप्लिस नॉलेज इन नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम्स तो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि नॉलेज का जो असल सोर्स है ख़ासतौर तौर पर हिडन नॉलेज का ये वही एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं से हमें नॉलेज मिलेगा अब अगर हम नॉलेज इंजीनियर्स की बात करें तो इनके करने के तीन काम होते हैं इनका पहला काम होता है एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज फ़्लो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉलेज किस तरह से काम कर रहा है नॉलेज का फ्लो कैसे है कि नॉलेज कहाँ कहाँ है ये एक तरह का आप कह लीजिए नॉलेज ऑडिट करते हैं इसके साथ साथ वर्किंग विद एक्सपर्ट्स टू अपटेन इंफॉर्मेशन अब इन्होंने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के साथ काम करना है कि ताकि वहाँ से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें और आखिरी इनके काम का हिस्सा है डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एंड एक्सपर्ट सिस्टम एक्सपर्ट सिस्टम में जाके उसको डिज़ाइन करना और उसको इम्प्लीमेंट करना कि नॉलेज जो आए वो किसी सिस्टम के तहत जो है वो जाके ऑर्गेनाइजेशन का एसेट बने इसी तरह अगर हम बात करें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स की क्वालिटीज़ की तो उनमें कुछ बातें होनी चाहिए जैसे मिसाल के तौर पर एक्सप्लेन इम्पोर्टेंट नॉलेज एंड नो हाउ कि उनके अंदर ये सलाहियत हो कि वो एक्सप्लेन कर सकें उनके जहन में जो पॉइंट्स हैं उसको बता सकें दे मस्ट बी थॉटफुल एंड पेशेंट कि वो सोच सकें अपनी सोच का इजहार कर सकें और बड़े सब्र और तहमल के साथ जो इंजीनियर है उसकी बात सुन सकें और उसकी इंस्ट्रक्शन पर अमल करते हुए नॉलेज जो है वो प्रोवाइड कर सकें हैव इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स कि अगर उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होंगी तो जो उनके दिमाग में हिडन नॉलेज है उसको अच्छे तरीके से वो बयान नहीं कर पाएंगे तो कम्युनिकेशन स्किल्स की भी बड़ी ज़रूरत है सब्जेक्ट और डोमेन एक्सपर्ट्स भी नहीं कहते हैं वर यूजुअली सोल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हुज एक्सपर्टीज कंपनीज विश टू प्रिजर्व कि ये सिर्फ़ एक वह जरिया है हिडन नॉलेज का कि जिनको हम डोमेन एक्सपर्ट्स या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इनसे नॉलेज लेके तो कंपनी उसको प्रिजर्व करना चाहती है अगर हम यहाँ देखें तो नॉलेज एक्विजिशन के कुछ फेजेस हैं इन फेजेस को देखिए कि किस तरह से नॉलेज जो है वो स्टार्ट होता है और फिर कंपनी का हिस्सा बनता है जैसे इसमें सबसे पहला फ़ेज़ है आइडेंटिफिकेशन कि नॉलेज को आइडेंटिफाई किया जाता है कि किसके पास है कौन सा नॉलेज है आइडेंटिफेसन के बाद उसकी कंसेप्चुलाइजेशन होती है उसके कॉन्प्ट्स बनाए जाते हैं उसको डिफरेंट टॉपिक्स में तकसीम किया जाता है और हर टॉपिक का एक नाम रखा जाता है जिसे हम एक कह सकते हैं और जब कंसेप्चुलाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद नॉलेज की कोडिफिकेशन होती है यानी उसकी रिकॉर्डिंग होती है उसकी कोई क्लासिफिकेशन होती है जिसे हम कोडिफ़िकेशन कह रहे हैं तो इस तरह से ये नॉलेज है ये फ्लो करता है और हर स्टेप पर पिछले स्टेप की भी ज़रूरत पड़ती है जैसे यहाँ देखिए यहाँ देखिए इसमें रिक्वायरमेंट्स को रिफ़ाइन भी किया जाता है इसमें कॉन्सेप्ट को रिफ़ाइन भी किया जाता है और यहाँ राइट साइड पे हमें कुछ एग्जांपल नज़र आ रही हैं कि जब हम नॉलेज को कैप्चर करेंगे तो वो रॉ फॉर्म में होगा उसके बाद जब हम उसे एक्सप्लिसिट फॉर्म में लाएंगे ऑर्गेनाइज फॉर्म में लाएंगे तो वो एक मॉडल की सूरत में आ जाएगा और उसके बाद वो एक एक्सपर्ट सिस्टम का पार्ट होते हुए वो कंपनी का एसेट बनेगा तो वो किसी हार्ड डिस्क पे या किसी फाइल का हिस्सा बनेगा इस तरीके से नॉलेज एक्विजिशन के डिफरेंट फेजेस को समझते हुए हम नॉलेज कैप्चरिंग के कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं